हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है जेडी और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जेडी करजी फिजिक्स। और आज आपके लिए जो प्रैक्टिकल लेके आए हैं वो कम्प्लीटली फिजिक्स के नियम पर आधारित है कि ये आपको बताना है कि उसमें कौन सा फिजिक्स का नियम लगता है। प्रैक्टिकल मैं करके दिखाऊंगा और यदि आपको नहीं पता है तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, मैं उसका जवाब भी दूंगा कि उसमें कौन सा नियम लगा था। तो सिंपली देखिए, यहाँ पर हमने एक धागे से यहाँ पर एक ईंट लटका रखी है और ईंट के नीचे एक दूसरा धागा लगा रखा है। ये हमने धागे का गट्ठा ही लटका दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसे धागा नॉर्मल है। तो ऊपर वाले धागे के ऊपर नीचे तो हमने ईंट लगा रखी है, नीचे वाला जो धागा है वो बिल्कुल फ्री है। आप ऐसे समझो, ये मैं इसको हटा लूँगा या इसमें कोई वेट भी नहीं है। तो जब मैं इस धागे को खींचूंगा तो आप ये बताएंगे कि इसमें ऊपर वाला धागा टूटता है या नीचे वाला धागा टूटता है। देखिए, इस प्रैक्टिकल को हम दो केस में कर रहे हैं। पहला, हम इसको जोर लगा के खींचेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा धागा टूटता है, ऊपर वाला टूटेगा या नीचे वाला। पहले तो आप ये बताइए कमेंट करके कि नीचे वाला टूटेगा कि ऊपर वाला। तब तक मैं इस प्रैक्टिकल को करता हूँ। तो मैं इसको एक बार जोर से खींच के देखता हूँ। तो 1, 2, 3, तो आप देखेंगे कि इसमें नीचे वाला जो धागा है वो टूटा है और ऊपर वाला जो धागा है वो एज इट इज़ जैसा है वैसा का वैसा। और मैं इस धागे को एक बार फिर से बांध देता हूँ। तो अब की बार हम क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर जो पहले जोर से खींच के हमने इसको तोड़ा था, अब की बार हम इसको धीरे धीरे खींचते हैं और आप ये बताएंगे कि अब की बार ऊपर वाला धागा टूटता है या नीचे वाला। तब तक आप कमेंट कीजिए, तब तक मैं इसको करके दिखाता हूँ। तो अब की बार हम क्या करते हैं, इसको हम नीचे की ओर खींचते हैं, फिर देखेंगे कौन सा धागा टूटता है। तो ऊपर वाला जो धागा है वो टूट गया है और नीचे वाले धागे के साथ क्या आ गई है, ईंट आ गई है। तो अब हम इसका रीज़न जानेंगे कि जब हम इसको धीरे खींचते हैं तो ऊपर वाला धागा टूटता है और जब हम इसको ज़ोर से खींचते हैं तो इसमें केवल नीचे वाला धागा ही टूटता है। तो इसका रीज़न क्या है, तो मैं इसका रीज़न आपको बताता हूँ। तो इसके पीछे जो रीज़न है वो सिंपल सा रीज़न है, हम न्यूटन के कहता है कि जड़त्व का नियम, यानी कि जो वस्तु स्थिर अवस्था में रहती है वो स्थिर अवस्था में बनने की कोशिश करती है। तो हमने जब ईंट को इसके साथ बांध रखा है और हम इसमें क्या करते हैं, जोर लगा के खींचते हैं, तो जो ईंट है वो स्थिरता के कारण इस धागे के ऊपर बल को नहीं जाने देती, इसलिए नीचे वाला धागा ही टूटता है, ऊपर वाला धागा नहीं टूट पाता। लेकिन जब हम फोर्स को धीरे धीरे लगाते हैं, बल धीरे धीरे लगाते हैं, तो क्या होता है कि इस धागे के ऊपर अब दो बल लगेंगे, एक ईंट का भार बल भी लगेगा और साथ में जो हम बल लगा रहे हैं नीचे वो बल भी लग रहा है, इसलिए इस पर डबल बल लग रहा है और नीचे वाले धागे पर केवल एक ही बल लग रहा है, इसलिए ऊपर वाला धागा टूट जाता है और नीचे वाला धागा नहीं टूट पाता। यदि आपको ये पहले पता था तो आप हमें बताएंगे कि हमें पहले पता था। तब तक के लिए बाय।